अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चलिए जी, बहुत टाइम बाद वीडियोस मैंने स्टार्ट कर दी हैं आपको सब कुछ दिखाने के लिए। बाकी भाई, आपका भाई आ चुका है इस टाइम ओल्ड जयपुर रामगंज बाज़ार में। इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ बड़ी चौपड़। तो मैंने सोचा कि यहाँ की जो एक दो फेमस चीज़ें हैं ना, वो आपको दिखाऊँ। वो क्या क्या होंगी वो इस वीडियो में आपको पता लगेगी। बाकी थंबनेल से तो आपको पता लग ही गया होगा। बाकी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं क्या क्या है और पूरी तरह अच्छी तरह आपको चीज़ दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जयपुर सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए आया हूँ, मतलब आप समझ लो एक दिन या एक कुछ घंटों के लिए आया हूँ किसी काम से। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि आपको यहाँ के जायके भी थोड़े बहुत रूबरू करा दूँ। मैं आ चुका हूँ इस टाइम जयपुर रामगंज, जैसे मैंने आपको बताया, और जो जायका आप तक पहुँचाने आया हूँ वो है भाई सज्जी चिकन का। इस टाइम सेटअप मैं उनके बिल्कुल रेस्टोरेंट पर हूँ। नीचे आप देखो, रोड आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, और जहाँ पर सज्जी चिकन बन रहा है ना, वहाँ आपको लेके चलता हूँ। देखो यहाँ पर है पूरा सेटअप, जो बिल्कुल ऑथेंटिक सज्जी चिकन है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक सज्जी चिकन वो है यहाँ पर। और ये मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी भी जो ऑनर साहब हैं वो तो अभी आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा। बाकी अभी पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ ये जयपुर ही है जहाँ पर आपको ऑथेंटिक सज्जी चिकन मिल रहा है। और ये सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल जैसे कि ये, जहाँ तक मुझे पता है कि ये बलूचिस्तान की ये डिश है, जैसे वहाँ बनाई जाती है बलूचिस्तान के अंदर, वैसे ही बिल्कुल प्रॉपर यहीं बनाई जा रही है। चिकन देख लें आप, ये विद स्किन चिकन होता है। ये देखें आप, और बड़ा सा सेटअप कर रखा है बिल्कुल। भाई देखो, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आग आप देख रहे हैं ना, ये लगी हुई है। और ये देखें आप, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, अब ये बिल्कुल ऑथेंटिक जो सज्जी चिकन होता है। तो भाई इसका क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा था इस टाइम, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे रील्स हो, सबके ऊपर भाई सच्ची चिकन चल रहा है इस टाइम। तो मैंने सोचा भाई ये जाएगा कैसे आपका भाई मिस कर सकता है। बाकी यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो स्लैब्स हैं वो भी यहाँ पर आकर खा चुके हैं। जैसे इसकी पूरी पूरी जो चीज़ें होती हैं, मैरिनेशन जो होती है, बाकी जो इसका प्रोसेस होता है बनने का, जो यहाँ के ऑनर हैं हसीन कुरैशी साहब, वो उनसे पूछेंगे। तो ये सच्ची चिकन आ चुका। इसके साथ साथ यहाँ पर बड़ा सा आप देख रहे हो, ह्यूज एकदम ये तवा लगा हुआ है, यहाँ पर चंगेज़ी बन रहा है। और इसके साथ इनकी एक चीज़ और फेमस है, वो है इनका भाई अल्फाम चिकन। बाकी दिल्ली के अंदर तो मैंने आपको अल्फाम चिकन बहुत सारे दिखा दिए और फुल जायकेदार भी दिखा दिए, और अल्फाम चिकन जो क्वांटिटी है वो देखो मेरे सामने रखी हुई है यहाँ पर ही रही। तो अल्फाम चिकन की आप क्वांटिटी देख लो, ये बिल्कुल मेरे सामने रखी। भाई थोड़ा उठा के दिखाएंगे ज़रा, ये देखो जी, ये है अल्फाम चिकन। अब यहाँ का अल्फाम चिकन कैसा है, तो उसका जायका तो भाई करके ही पता लगेगा, क्योंकि अपने दिल्ली के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया मिलने लगे हैं। लेकिन ये जो सज्जी चिकन है, ये सिर्फ भाई यही मिलता है जयपुर में। तो चलिए, ये तो था यहाँ का सेटअप। बाकी यहाँ का डाइनिंग एरिया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ का डाइनिंग एरिया भी देख लो भाई, बहुत अच्छा है, टेरिस के ऊपर है। आप आराम से चेयर पर बैठकर खाना चाहो, इस पर भी बैठ कर खा सकते हो। अगर आपको एक दस्तरखान की तरह आपको बैठ कर चौकड़ी मार कर खाना हो, तो आप मजलिस की तरह बैठ कर भी यहाँ पर खा सकते हो। और एक अच्छा सा वाइब है, पूरा रोड आपको दिख रहा है दूर से दूर तक, शोर शराबा चल रहा है बढ़िया, एकदम खुले माहौल के अंदर आप इस सज्जी चिकन का, अल्फाहम का, इनके चंगेज़ी का, बाकी भाई सबका एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जितने स्लैब्स हैं वो खाने आ चुके हैं। देखो ये जो संजू बाबा, उनके साथ ही हमारे हसीन भाई रहे, ये राशिद खान, बाकी ये और भी हैं देखो इनकी टीम, ये यूसुफ पठान, उसके बाद मोहम्मद नबी, ये इरफान पठान, तो ये अपने सिद्दीक बाबा, और ये अपने भाई देख लो, ये सलमान खान, शाहरुख खान। तो सारे स्लैब्स ने यहाँ पर भाई सज्जी चिकन खा रखा है आकर। तो मैं भी आपको लेकर आ गया, मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा पहले आ जाऊँ, आपको अच्छी तरह दिखा भी दूँ और क्या जाएगा होगा वो आप तक पहुँचा देता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं ज़रा ऑनर के पास, उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो आपको थोड़ा बहुत जो भी था सज्जी के बारे में बता दिया था और दिखाया भी। बाकी अब जो सज्जी के जो ऑनर हैं मिस्टर हसीन कुरैशी साहब मेरे पास खड़े हुए हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत है? बाकी आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो भाई जयपुर में हूँ इस टाइम रामगंज। तो हसीन भाई कुछ बताएं सज्जी के बारे में, माशाल्लाह मैंने मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया के अंदर अभी आप ही लेकर आए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अलावा पूरे इंडिया में नहीं, और प्लस अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट बाकी है, ऐसी कोई सिटी बाकी नहीं है जहाँ से वो बंदा यहाँ से आके खा के नहीं गया। और प्लस
अपन इंडिया के अलावा को आउट ऑफ इंडिया की भी बात करें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ इंडिया से लोग खाके भी गए और प्लस रिकमेंड भी कर रहे हैं फॉरनर्स। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप जयपुर जा रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोल रहे काबुल चिकन सज्जी पे सज्जी जरूर ट्राई करके आए, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सज्जी की अगर बात करें अपन, सज्जी एक छुपा हुआ नाम नहीं है, सज्जी लोगों को मालूम चल चुका है सज्जी क्या है, और सज्जी का अगर हमने नाम रखा तो सज्जी 24 कैरेट गोल्ड है। वो क्यों है, उसका क्या मायने है, क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सज्जी है ये विद स्किन तैयार होता है, इसकी स्किन से खुद कुक होता है, ना कि इसमें एस्ट्रो ऑयल यूज़ करा जाता है। अर्ली मॉर्निंग में इसको लगाया जाता है, इवनिंग में जाके ये पूरा सज्जी कंप्लीट होता है, ना कि इसके अंदर एस्ट्रो ऑयल या एस्ट्रो कुछ भी नहीं लगाया जाता है, सब कुछ इसको इसके ऑयल से खुद कुक करा जाता है। यहाँ के अपने बात करें जयपुर की, राजस्थान की, लोकल की, तो यहाँ के जो अपने डॉक्टर्स हैं और अपने जो बच्चे हैं जिनको मिर्च मसाले पसंद नहीं है उनके लिए बहुत पसंद आ रहा है। प्लस मतलब हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। और सज्जी का मीन्स ही ओरिजिनल रोस्टेड है। अगर अपन रोस्टेड की बात करें तो जो जयपुर के अंदर रोस्टेड खिलाया जा रहा है, जहाँ तक मैं नॉलेज रखता हूँ, उसको रोस्टेड अपन कह ही नहीं सकते। वो क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि रोस्टेड का मतलब ही 0% ऑयल होता है। जो 0% ऑयल होता है उसी को आप रोस्टेड कह सकते हैं। प्लस आप रोस्टेड तो खा रहे हैं लेकिन उसके ऊपर क्रीम डाल रहे हैं लोग, बटर डाल रहे हैं, चाहे वो इंडिया की बात करो, दिल्ली की बात करो या कोई सी भी स्टेट की बात करो। तो मैं उनसे यही मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल से भी कि अगर आप बंदे को रोस्टेड खिला रहे हैं तो रोस्टेड का मतलब ही 0% ऑयल है। अगर आप रोस्टेड खिला रहे हो उस पर बटर क्रीम डाले तो उसको आप रोस्टेड खा ही नहीं सकते, उससे बेटर आप फ्राई खा लें। अच्छा, इसकी टाइमिंग क्या है, कस्टमर्स को कब अवेलेबल होता है ये बताइए ज़रा। मैं अगर टाइमिंग की बात करूँ तो इवनिंग के अंदर 6 बजे से लेकर और 10-10:30 बजे तक चलता है रेस्टोरेंट। लेकिन मैं आपके चैनल से ये रिक्वेस्ट करूँगा, आने से पहले आप अगर सब्जी खाना है तो आने से पहले आप मेरे से कांटेक्ट करें। मेरे कांटेक्ट नंबर है 9928123768, नियर बड़ी चौपर, काबुल चिकन सज्जी के नाम से है। और आने से पहले दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, आप आने से पहले यहाँ पर आप मेरे कांटेक्ट पे आपका ऑर्डर बुक कराएं। ऑर्डर बुक कराने के बाद ही आपको सज्जी मिल सकती है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो जी, मैं आपको दिखा दूँ, इधर देख लो, ऑर्डर देख लो आप हसीन भाई, ये देखे देखे ऐसे ऑर्डर करना पड़ेगा आपको डेली बाई डेली। ये अभी के ऑर्डर है, बिल्कुल आज के ऑर्डर है। 2 सज्जी 3 सज्जी टाइमिंग लिख रखा है इस तरीके से, ये 3 सज्जी 2 4 वाला फॉर्म, इस तरीके से ऑर्डर आते हैं हमारे पास कंटिन्यू। मतलब आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आज की डे की बात करें तो हमारा पूरा आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है माल। अब आप समझ लो कि मुझे ये चीज़ पता थी तो मैंने सुबह ही हसीन भाई को कॉल कर दी थी कि हसीन भाई मुझे वीडियो बनानी हो और एक सब्जी थोड़ा सा बचा के दे रखी है, तो हसीन भाई ने इसलिए टाइम दिया मुझे। मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ आपके चैनल से कि लोग आ भी जाते हैं, उनको नहीं मिल पाती तो वो भी इरिटेट होते हैं। बिल्कुल, और हमारा भी दिल दुखता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कहाँ कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता। जी 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 जी, तो क्योंकि सब्जी जो लगा हुआ है ना वो आपके सामने देखा जितना है वो उतना ही है सब्जी बस, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 10-12 घंटे लगते हैं। इसको अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे हमें उठना पड़ता है डेली, उसके बाद इसको प्रोसेस में डालना पड़ता है मसालों में, फिर उस मसालों में से निकाल के बाद सेकंड मसाले में डालना पड़ता है, सेकंड मसाले में डालने के बाद इसको स्टिक पे लगाना पड़ता है, और स्टिक पे लगाने के बाद आप देख सकते हैं कितनी गर्मी उसकी हीट से हमें लड़ना पड़ता है भाई। तो चलिए, अब ये था सेकंड सब्जी का पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया, बाकी ऑनर साहब से मिलवा दिया। अब क्या जाएगा होगा वो मैं आपको टेबल पर बैठकर बताऊंगा। थोड़ा सा सज्जी और जो इनका अल्फाम है, अल्फाम के बारे में कुछ एक दो लाइन है। अल्फाम है वो भी दिल्ली के अंदर ही अल्फाम बहुत चल रहा है। अल्फाम दिल्ली में खा लो या पूरे इंडिया में खा लो, मैं अल्फाम की तो ये गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर कोई रोस्टेड खाने का शौकीन है और वो यहाँ का अल्फाम खा ले, क्योंकि अल्फाम विद स्किन तैयार होता है, और उसके जो मसाले वसाले सब एकदम सीक्रेट मसाले और एकदम मैजिक मसाले हैं। अगर जिस बंदे ने यहाँ का अल्फाम खा लिया वो अपनी पूरी लाइफ नहीं भूल सकता कि रोस्टेड कहते किसे। जिसने ये रोस्टेड अल्फाम खा लिया वो बोलेगा रोस्टेड ही से कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे कस्टमर कह के जाते हैं, मतलब यहाँ तक कि 19 ईयर ओल्ड, 85 ईयर ओल्ड, 70 ईयर ओल्ड जो कस्टमर है वो ये कहते हैं बेटा पूरी ज़िंदगी दे दी लेकिन ये जो तूने खिला दिया उससे बेहतर अभी अपनी लाइफ में नहीं कर। आने के बाद अगर पसंद नहीं आता तो मैं रिटर्न पैसे देने की गारंटी देता हूँ। लो जी, चलिए हसीन भाई बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। तो चलिए दोस्तों, मैं तो क्या है शाम में तकरीबन 5-6 बजे करीब के आपको दिखाया, मैंने चंगेजी बनता हुआ भी दिखा रहा था, बाकी सज्जी भी दिखा रहा था, जब थोड़े वो बचे हुए थे, मतलब थोड़ा थोड़ा वो पूरा डन होने में बचे हुए थे। लेकिन अब क्या है, रात हो चुकी है, माहौल आप रोड का देख रहे हैं ना, अंधेरा हो चुका है पूरा। और यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये चंगेजी, और चंगेजी पूरा डन हो चुका है भाई, ये देखें। और इनका चंगेजी भी भाई अलग लग रहा है, बिल्कुल मज़ेदार। और थोड़ा अब आप देख लो इधर, यहाँ पर ये सारे के सारे भाई जितनी भी सब्जी हैं ये सब अच्छी तरह पूरा एकदम कुक हो चुके हैं। और देखो बहुत सारी जो सीखें हैं इनकी वो खाली भी हो चुकी हैं। बाकी यहाँ पर आप माहौल देख लो, डाइनिंग एरिया पूरा फुल हो चुका है, देखो आप देख रहे हैं सारा फुल हो चुका है डाइनिंग एरिया। ये देखें मजलिस की तरह भी यहाँ पर सेटिंग चल रही है, और यहाँ पर देख लो भाई टेबल भी लगी हुई है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा रहा हूँ जो ये डन हो चुके हैं ना, अब इनका जूस देखना आप, ये देखें आप, देख रहे हैं ये अपने ही जूस, जो अपने ही जो इनका फैट होता है ना जो स्किन के साथ होता है,
ये उसी के अंदर कुक होता है पूरा। ये हमारे भाई ने पूरा पलट दिया, देखें आप कितना पानी निकल रहा है, बिल्कुल देख रहे हैं, ये देखें, ये बहुत बढ़िया। अब इसको भी देखो आप, ये देखो कैसा पानी की तरह निकल रहा है, ये देखें आप, बहुत बढ़िया। और ये देखो सब ऐसे कैसे सीखते रहेंगे, ये देख रहे हैं अभी कैसे जूस निकल रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है पानी अंदर भरा हुआ है। देखो देखो जी, वो सब्जी वहाँ पर डन होकर फिर ये यहाँ पर आता है बारबेक्यू पर, जिसके अंदर ये क्या है पूरा ग्रिल से इसको अच्छी तरह कोयलों पर सेका जाता है। अब ये यहाँ पर अपना अल्फाम लग रहा है, ये देखो जी ये अल्फाम है, और ये दोनों जो चिकन है ना ये स्किन के साथ होते हैं इनके, ये देख रहे हैं आप, ये देखें। और जैसे कि भाई बताया था असीन भाई ने हमें कि इनका अल्फाम है ना ऐसा है कि आपने कहीं नहीं खाया होगा। बाकी देखते हैं भाई, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो आपको इतने सारे अल्फाम दिखा चुका हूँ मैं। अभी देखिए इसमें कुक होगा पूरा ये, और ये पूरा सेटअप पूरा देख लो आप, ये हुआ पूरा इसका ग्रिल बंद, और ये आ चुका भाई इस ग्रिल पे। तो अब ये दोनों आप देख लो, यहाँ पे लगा हुआ है सज्जी और ये लगा हुआ है अल्फाम। देखो जी भाई ये इनके क्या है, काबुली नान है, जिसके साथ भाई लोग चिकन सज्जी और अल्फाम खाना पसंद करते हैं, देख रहे हैं। और ये बटर के साथ, ये देखें आप, देख रहे हैं पूरा नान, ये पूरा नान है भाई। तो दोस्तों आज जयपुर था, और जो बिल्कुल यहाँ पर ट्रेंडिंग में चल रही है भाई सज्जी चिकन, वो और इनका भाई अल्फाम, काबुली सज्जी चिकन के नाम से शॉप है भाई पुराने जयपुर के अंदर। तो भाई ने क्या है, हसीन भाई ने बिल्कुल एक बढ़िया सी प्लेट बनाकर दे दी है मुझे, जहाँ पर हाफ पीस मैं आपको दिखा दूँ, ये है इनका सज्जी चिकन का, देख रहे हैं इसके ऊपर बादाम वदाम सब बढ़िया करके वर्क लगा हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर भाई ने दिया है मुझे अपना अल्फाम, ये देखें आप। और बाकी भाई इनकी जो ये मंदी पूरी प्लेटर इन्होंने बनाकर दे दिया बढ़िया सा। नाम जयपुर के अंदर सज्जी चिकन बहुत चल रहा है इस टाइम, रील्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, यहाँ पर ऊपर गया तो भाई बहुत कस्टमर्स हैं। तो क्या है जायका इसका, वो आप तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि भाई अभी मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि हसीन भाई ने बताया कि इंडिया के अंदर सिर्फ जयपुर में ही चिकन सब्जी मिल रहा है भाई। तो शुरुआत करेंगे चिकन सब्जी से, आ जाइए। ये देखिए पास से बिल्कुल आपको दिखाऊं तो ये ड्राई फ्रूट्स तो अभी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, बाकी वर्क से भाई ने एकदम बढ़िया कर, ये देखो आप, इसका दो प्रोसेस है, एक तो सीखों के अंदर आग में कम से कम जो बहुत सुबह से लेकर शाम तक ये पकता रहता है, फिर उसके बाद ये लास्ट में ग्रिल होकर आता है। अब ये इसके ऊपर देख रहे हैं आप, ये स्किन के साथ होता है चिकन, ये देखें आप। और ये दिखाते दिखाते भाई इनका देखो यहाँ पर एक स्पेशल काबुली नान भी आ चुका है, कितना बड़ा, ये देखो आप। तो चलिए अब ज़रा भाई इसका क्या टेस्ट है वो देख लूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा दिल्ली से आया हूँ ये खाने के लिए। चलिए बाकी इसकी गलावट तो दिखाऊँ, वसीन भाई देखने ज़रा, बिल्कुल ऐसा हो रहा है एकदम मक्खन की तरह, बिल्कुल भाई देख रहा हो आप, ये देखें बहुत लाजवाब। और ये बिल्कुल इसके अंदर मिनिमम मसालों के साथ ये बनता है, क्योंकि बिल्कुल ऑथेंटिक, ये अपनी ही स्किन का जो फैट होता है उसके अंदर बनता है। बाकी बलूचिस्तान की भाई ये डिश है, और इंडिया के अंदर सिर्फ जयपुर में आपको मिलती है। और इसके जो दीवाने हैं वो सबसे ज़्यादा जो बॉडी बिल्डिंग है, जो अपने हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग हैं, वो ज़्यादा लोग इसको पसंद कर रहे हैं। करता हूँ बिस्मिल्ला। भाई सही बताऊं मैं आपको, स्किन जो है ना वो क्रिस्पी हुई हुई है बहुत ज़्यादा, मसाले इसके अंदर हैं। मैं तो ये समझ रहा था कि भाई बिल्कुल एकदम फीका होगा, लेकिन भाई इसके अंदर मसाले हैं बहुत लाइट, और अपने ही ये फैट के अंदर भाई कुक हो रखा है। और मुझे यकीनन जो स्किन के साथ आ रहा है ना मज़ा, सच में, और उसकी गलावट जो है ना भाई जो करके दी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ये था कि यार इसमें मसाले तो है नहीं, टेस्ट कैसा आएगा, लेकिन भाई मज़ेदार टेस्ट आ रहा है बिल्कुल, सच में बहुत बढ़िया है ये एकदम लाजवाब। और भाई ने जो ये वर्क लगा के दिया है ना, इस पर और मज़ा आ चुका है।
बाकी अब जो इसमें क्या है, इन्होंने मंदी भी दी है। ये चावल देख रहे हैं आप, ये देखें ये चावल देखें, इसमें ड्राई फ्रूट भी है। तो आज इसके साथ ज़रा एक बड़ा सा बाइट बनाकर और ये हल्की सी इसके ऊपर प्याज रखकर एक बिस्मिल्लाह करते हैं काबुली चिकन सब्जी का एक और। भाई सच में मज़ेदार है। चावलों के साथ इसका एक मंदी टाइप वो टेस्ट आ चुका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई बहुत मज़ेदार है हकीकत में, बहुत मज़ेदार, मुझे तो मज़ा आ गया भाई। अब है चिकन अल्फाहम की बारी, और चिकन अल्फाहम दिल्ली के अंदर आपको मैंने बहुत सारे दिखा दिए और एक से एक बढ़िया भी दिखा दिए। बाकी जो यहाँ के ऑनर थे असीन भाई, उन्होंने बोला कि भाई वो सब भूल जाओगे आप। तो चलिए करता हूँ इसकी एक बाइट लेकर। ये देखें, सबसे मेन चीज़ होती है इसकी मेरीनेशन और इसकी गलावट क्या चीज़ कहती है। अंदर तक देखो आप भाई, आपको मसाले भी दिख रहा होगा, जूस भी दिख रहा होगा। इसका प्लस पॉइंट जो है ना वो ये है कि ये अपनी स्किन है ना, ये उसके फैट में मोस्टली बना हुआ है। तो चलिए भाई, ये भी मज़ेदार है, सच में मज़ेदार है। बाकी ये मैं तकरीबन 5 बजे आया, थोड़ी सी मैंने यहाँ की मेकिंग दिखाई, फिर उसके बाद मैं 8 बजे आया, और 8 बजे ऊपर सिटिंग, मैं चाह रहा था कि ऊपर खा लूँ लेकिन भाई फुल हो चुका है, फिर मुझे नीचे बैठना पड़ा। लेकिन भाई अल्फाहम भी बहुत मज़ेदार है, और सबसे अच्छी बात क्या है, लाइट मसालों के साथ है, लेकिन जो मसालों का जो बंच है ना वो पूरा फ्लेवर, वो भाई मज़े दे रहा है बिल्कुल। अब ज़रा एक चावलों के साथ भी खाकर ये, और इनकी जो प्याज है ये अनियन है, मज़ेदार है भाई, मज़ेदार। और अब है ना, ये इनका काबुली नान है भाई, बिल्कुल मज़ेदार एकदम लग रहा है। ज़रा इसको भी ले लेते हैं, हाँ बहुत सॉफ्ट है, अच्छी तरह बिल्कुल सिका हुआ है। ज़रा इसको मैं खाऊंगा भाई इससे, ज़रा ये देख रहा हूँ हड्डी भी अलग हो गई, देखो आप। ये होती है भाई साहब निशानी के बहुत अच्छी तरह अच्छे टाइम से ये कुक हो रखा है। और जो ये चिकन के जो स्किन मज़ा दे रही है ना भाई, उसका मज़ा अलग है। और ये इनकी भाई चटनी, नान एवन है भाई, मज़ेदार, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। तो चलिए माशाल्लाह ये सब इसका जायका आप तक पहुंचा दिया। बाकी भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है, मज़ा आ चुका मुझे। अब ज़रा ये ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह फिर ऑनर से मिलते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, भाई मैंने क्या है इस टाइम काबुल चिकन सब्जी पर था जयपुर, और असीन भाई जो ऑनर है वो मेरे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह एकदम बनाकर एक मंदी टाइप सब्जी और अल्फाहम खिलाया भी। तो असीन भाई मज़ा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जैसा आपने बताया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वैसे ही था, क्योंकि मुझे ज़्यादा वो लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा फीका होगा सब्जी। जी जी जी, लेकिन नहीं भाई, उसके अंदर अंदरूनी कुछ मसाले ऐसे आपके हैं। मैंने बोला था ना आपको अर्ली मॉर्निंग के अंदर उसको मसाले में डालने के बाद उसको मैरिनेट करने के बाद लगाया जाता है। सब्जी बाई गोड बोल रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, सब्जी का कोई मजाक नहीं है। अगर अपन सब्जी सोचे ना, सब्जी यूँ लगाया और यूँ तैयार, बिल्कुल सही बात है, सब्जी रियल के अंदर मजाक नहीं है। सब्जी को नेचुरल हीट पे तैयार करना, 40-45 के टेम्परेचर में उसके आगे खड़े होना, सही बात है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग से उसको प्रोसेस में डालना, तो मैं तो ये बोलता हूँ वो खुश नसीब है जो सब्जी खा रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं जरा उनके लिए क्या बोलेंगे हसीन भाई? गाइज मैं ये बोला, जितनी जल्दी हो सके सब्जी जरूर ट्राई करें। अगर आपने आपकी लाइफ में सब्जी नहीं खाया तो कभी ज़िंदगी में आपने रोस्टेड ही नहीं खाया। देखो जी, इतनी बड़ी बात बोल दी है तो बस भाई, अब ये अभी सब्जी क्या है अपने दिल्ली में नहीं है ना कहीं और है, पूरे इंडिया में, सिर्फ जयपुर में। पूरे इंडिया से लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं, विजिट करने के बाद लोगों को पसंद आ रहा है, विद फैमिली आ रहे हैं,
और प्लस माउथ पब्लिक सिटी हो रही है, जिस चीज की माउथ पब्लिक सिटी हो तो समझ लो वो आपका प्रोडक्ट सक्सेस हो चुका है। सही बात है बिल्कुल भाई, मैं खुद रील देखकर आया हूँ और लोगों से पता करा अभी, और बाकी यहाँ पर स्लैब्स के तो आपको दिखा है, पोस्टर लगे हुए हैं, भाई के साथ फोटोज लगे हुए हैं, तो अलग ही चीज़ है। तो चलिए माशाल्लाह, अब यहाँ से असीन भाई से और काबुल चिकन सिद्धि से लेता हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे जायके के साथ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।